राजा जी के जंगलों के बीचों बीच एक ऐसा सिद्ध पीठ जहां माता के साक्षात दर्शन के साथ साथ आपको जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है और इसी के साथ साथ आपको माँ के साक्षात दर्शन होते हैं। तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक आज नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं माँ सुरेश्वरी देवी के एक ऐसे सिद्ध पीठ में जो कि आपके धर्मनगरी हरिद्वार में स्थित है। और यहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको पहले यहीं से अपना वाहन का 2-व्हीलर हो तो 15 रुपये और 4-व्हीलर का 30 रुपये आपको यहाँ से फॉरेस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही आपको आगे का रास्ता तय करना पड़ता है और परमिशन लेने के बाद आपको इस तरह से माँ सुरेश्वरी देवी के ये प्रवेश द्वार और यहीं से आपको प्रसाद अगर लेना हो तो इसी प्रवेश द्वार से आप प्रसाद लेके माता के दरबार की तरफ जो है प्रवेश कर सकते हैं। तो सामने आप रास्ता यहाँ पे देख सकते हैं और ये पूरा यहीं से आपका राजा जी नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली जो है अभी हम जा रहे हैं माँ सुरेश्वरी देवी के दर्शन के लिए। तो माता का ये प्यारा सा दरबार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ आने के लिए आप अपना वाहन भी लेके आ सकते हैं, चाहे तो आप ऑटो या बैटरी रिक्शा से भी यहाँ माता के दरबार तक जो है अंदर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ माता के दरबार में आने के लिए आपको अकेले आप कभी मत आइएगा, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का काफ़ी भय यहाँ रहता है। जंगल का ये इलाका आप इस तरह से देख सकते हैं, जंगली जानवर आपको कभी भी किसी भी समय यहाँ मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो आने का समय यहाँ पे रहता है वो मॉर्निंग के समय रहता है, क्योंकि शाम को 4 से 5 बजे के बाद मंदिर में यहीं से प्रवेश वर्जित रहता है। और इस तरह का ये प्यारा रास्ता आप माँ सुरेश्वरी देवी का यहाँ पर देख सकते हैं। घने जंगलों के बीचों बीच होके आपको माता के दरबार तक जाना होता है। और इसी तरह से रास्ते में आपको कुछ इस तरह से भी रास्ते मिलेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप मंदिर की तरफ आगे बढ़ते रहोगे और ये घना जंगल चारों तरफ का काफ़ी सुनसान इलाका रहता है यहाँ पे, और जैसे जैसे आप मंदिर के करीब इस तरह से जाते रहोगे तो आपको फिर आगे रास्ते में काफ़ी रेत और इस तरह से जो है काफ़ी बरसाती नाले, यानी कि बरसात के टाइम यहाँ पे काफ़ी रोड पे पानी रहता है, जिससे फिसलन का भी काफ़ी भय यहाँ पे रहता है। तो जब भी आप लोग आओ यहाँ पे तो काफ़ी संभल कर आना। और इसी तरह से आप लोग अभी जो यहाँ पे रोड ये रास्ता यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पानी जो है बेहतर रहता है, जिससे फिसलन का यहाँ पे काफ़ी डर भी रहता है, स्पेशली जो है हम 2-व्हीलर वालों के लिए। और इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना वाहन जो है आप लोग मंदिर के प्रवेश द्वार तक ही जो है यहाँ पे लेके आ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ोगे तो इस तरह से आप पार्किंग जो है मंदिर के बाहर भी यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी जो है पार्किंग यहाँ पे मंदिर की रहती है। और मंदिर के प्रवेश द्वार से ही जैसे आप मंदिर के आंगन में यहाँ पे प्रवेश करोगे तो वहाँ पे भी आपको जो है पार्किंग की काफ़ी बड़ी व्यवस्था रहती है यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये माँ सुरेश्वरी देवी का आंगन मंदिर का यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे दूर दूर से माता के दर्शन के लिए, अपनी मन्नतें मांगने के लिए, मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और ये आप यहाँ पे ऑटो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मंदिर के प्रवेश द्वार तक भी आप लोग यहाँ पे माता के दर्शन के लिए आते हैं आ सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो इस तरह से ये प्यारा सा दरबार माँ सुरेश्वरी देवी का नवरात्रों में जो है मंदिर काफ़ी दिव्य और भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया हुआ रहता है। और सामने ही आपको दर्शन होंगे सुरेश्वर महादेव के। तो इस तरह से आप मंदिर में
सुरेश्वर महादेव के दर्शन करने के साथ जैसे आप यहाँ पे हवन कुंड आपको दिखेगा, तो इस हवन कुंड के पास ही आपको बोर्ड में मंदिर से हवन कुंड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको बोर्ड में दिख जाएगी। और ये प्यारा सा दरबार माँ सुरेश्वरी देवी का, माता के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो माँ सुरेश्वरी जो सिद्ध पीठ है, ये देवी दुर्गा का प्यारा सा ये मंदिर हरिद्वार में राजाजी पार्क के शांत जंगलों में है। इसके साथ ही एक प्राचीन मंदिर भी ये है, देवी दुर्गा को समर्पित मंदिर हरिद्वार से आपका 7 किलोमीटर की दूरी पर रानीपुर में घने जंगलों में है, जो कि एक सिद्ध पीठ है। माँ सुरेश्वरी देवी का ये मंदिर सुरकूट पर्वत पर है और इसी के साथ मंदिर का एक बड़ा ही पौराणिक महत्व रहता है, जिसका उल्लेख यहाँ स्कंद पुराण में भी मिलता है। और मंदिर के साथ ही आपको ऊपर ही माँ काली का प्यारा सा मंदिर मिलेगा, जहाँ मैं आपको लेके माता के दर्शन कराऊँगा। और मंदिर की पौराणिक कथा यह है कि कहते हैं कि जब चंद्रवंशी राजा रजी के पुत्र से पराजित और स्वर्गलोक से निष्कासित होने पर जो देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से परामर्श लेकर इसी स्थल पर जो है साधारण मानव की भांति उन्होंने माता भगवती की आराधना की थी और देवराज इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने देवराज इंद्र को यहीं पे जो है दर्शन दिए थे और माँ ने देवराज इंद्र को विजयी होने का आशीर्वाद दिया और इसके बाद ही जो है देवराज इंद्र को स्वर्गलोक वापस मिल गया था। तो ये पूरा प्यारा सा नज़ारा आप यहाँ से मंदिर में ऊपर माँ काली के दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। और माँ सुरेश्वरी देवी के दर्शन के बाद आप माँ काली के दरबार में मंदिर की बैक साइड में ही थोड़ा सा ऊंचाई पर इस तरह से जा सकते हैं, जहाँ से आपको माँ सुरेश्वरी देवी के साथ साथ काली माता के दर्शन यहाँ पे होंगे। तो ये माँ काली का दरबार आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कहते हैं कि इस मंदिर में आने से लोगों की मन्नतें भी जो हैं जल्दी पूरी होती है और माता ने स्वयं देवराज इंद्र को भी ये बात कही थी कि जो मेरे दरबार में आएगा उसकी मन्नतें जल्दी पूरी होती है। इसी के साथ साथ आप ऊपर से ये मंदिर के चारों तरफ और जंगल का ये नज़ारा भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप राजाजी पार्क के ये जंगलों का लुत्फ़ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये प्यारा सा मंदिर माँ सुरेश्वरी देवी का।